Very good, very good. Beautiful faces. Siachen warriors. The weather is freezing cold. Our fingers, they are numb. Ya Allah. We're leaving from Tiakshi now. 12 बजे के करीब तो हम ले पहुंचने वाले हैं रात के. कल शाम को मैं आपको ये वाला व्यू नहीं दिखा पाया. आज जब हम यहाँ से निकल रहे तो मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना ये वाले व्यूज आपके साथ ना शेयर कर लूँ. अभी हम टूवर्ड्स चालुनका की तरफ जा रहे हैं. यहाँ से है चालुनका गुलाब पोस्ट. 27 किलोमीटर है यहाँ से. यहाँ से लास्ट टाइम मैंने 3 साल पहले इधर फोटोग्राफ ली थी. चालुनका शूटिंग रेंज को बनाया है रिवर टेमर्स ने प्रोजेक्ट विजय के अंदर. सियाचिन वॉरियर्स ये तब भी था ये अब भी है. 31 से पहले पहले ये वाला जो एरिया था ये भी ना गिर के साथ ही जुड़ा हुआ था. अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स बोधगंग. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब. थैंक यू. हाँ जी, अभी टेरेन देख ले कैसा है. टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अप है. मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 38-40 तो होना ही होना है. यह है जेंट के बैंक बोगदंग. किस स्कूल में पढ़ते हो? आर्मी स्कूल में. गुड. आपका क्या नाम है? आशिक हुसैन. आशिक. और आपका? सैफ अली. सैफ अली. माशाल्लाह. गुड. टाइम हो चुका है 3 बजे का और हम पहुंच चुके हैं बोगदंग में. पर्पज यही था यहाँ रुकने का कि प्यास ना बहुत परेशान है. हमारे पास पानी तो था ही बट ये भी ना ठंडा नहीं था तो हम यहाँ पर रुके, थोड़ा पानी ले लिया, थोड़ी सी जान आ गई और अब हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे. आजा. वेरी गुड, वेरी गुड. ब्यूटीफुल फेसेस. आजा आजा आजा. अभी हम जा रहे हैं यहाँ से चंगमर्ग. बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है. बस रेत का ध्यान रखें. आपको समझ नहीं आएगा कि कब ये रेत आपके सामने आ जाएगी. दिस इज द स्पॉट. 3 साल पहले ना मैं पूरा इस रेंज के अंदर गया था और फिर ना मैंने यहाँ के सारे व्यूज कैप्चर कर लिए थे. एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर फोटोग्राफ लिया था. यहाँ पर बहुत टाइम हमने दे दिया. अभी भी ना हम इस बंजर रेगिस्तान में ना चले जा रहे हैं. दिस इज़ ए नो ड्रोन जोन, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. अल्लाह करे जल्दी से ना ये छोटी वाली दोजख ना जल्दी से कवर अप हो जाए. अब देख ले यहाँ का कुछ अलग ही निज़ाम है. ये पत्थर देखे कैसे पड़े हुए हैं और इनका रंग एकदम जर्द सा है. बस एक ही राहत है, रोड जो है दैट्स ईजी. वो है चंगमर का पुल. वन व्हीकल एट अ टाइम. वहाँ से गाड़ी को पहले छोड़ कर ना हम निकल जाएंगे. शशकम वैदी. ओ थोड़ा सा रिलीफ मिला. अब छाँव अच्छा खासा है. बाय द वे ना जो कैमरा से हम शूट कर रहे हैं इसका उतना लाइक फील आता नहीं है. अनलेस एंड अंटिल ना बंदा खुद विजिट कर रहे है. चाहे आप गाड़ी पे आए, मोटरसाइकिल पे आए, लाइक इट्स एक अलग ही थ्रिल है इस चीज़ को करने में. नो डाउट इसमें काफ़ी टाइम एंड एफर्ट जाता है बंदे का बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ ऑल द एफर्ट. इट्स वर्थ इट. स्कूरू 20 किलोमीटर्स. ओए आप देखते रोड क्या है, एकदम सुकून है. ब्यूटिफुल एडवेंचर. यही एडवेंचर होता है भाई. ये ऐसा एडवेंचर पूरा दिन होना चाहिए. कुछ साल पहले इधर आया था 390 एडवेंचर पर. तब आप वो क्लिप देख रहे हो. आप अभी साइड पे क्लिप एक प्ले कर रहा हूँ. वो यही रोड था. और आज देखते हैं कैसा बना है. सब ट्रैवलर्स आ रहे हैं. गुड. तो अभी ये पुल पार कर देंगे.
4:15 का वक्त हो चुका है और अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी है। रोड के दोनों साइड से अलग अलग किस्म के पौधे लगे हैं, अभी भी इस बंजर में चले जा रहे हैं। फिर यहाँ पर पानी है यार, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। मैं तो यार बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर दिया, हवा में बड़ी ठंडक सी महसूस हो गई, जब रिफ्रेश हो गया मैं इस पानी से। थोड़े से एयर डिफेंस विंग बेस है फॉर सियाचिन, सियाचिन के लिए जो भी सप्लाईज जाती है ना वो यहाँ से लेते हैं, कोई चेंज नहीं है। तब भी यही फेंसिंग थी, तब भी वो पैदल रोड वहाँ से चल रहा था और स्ट्रिप बस ऐसा ही था। हुंदर होने वाला है जो कि थोड़े से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर की दूरी पर है, बट अभी ना हमको जस्ट 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है हुंदर तक। उस टाइम रुका था डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च देहर सियाचिन सेक्टर, तो ये DRDO देहर है। टाइम हो रहा है 4:15 सियाचिन ट्रांजिट कैंप, और यहाँ से हुंदर अभी 8 किलोमीटर दूर है। हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ रहा है एक, ये देख ले हेलीकॉप्टर कहाँ से सर्विलेंस कर रहा है, देख रहे हो? का क्या? हाँ ये हुंदर है, अभी डिस्क्रिट 5 किलोमीटर है, अभी देख रहे हैं हुंदर का पूरा व्यू देख रहे हैं यहाँ से। अभी मैं डिस्क्रिट की ओर जा रहा हूँ, डिस्क्रिट में हम ना वहीं बाइक के जेना फ्यूल अप कराएंगे। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना फ्यूल अप करा दूँ यहीं पर, फट से पहले इसमें ना एयर प्रेशर जो है निकाल देते हैं, यहाँ से बिना एयर प्रेशर में निकाल देता हूँ। अभी ये 5 लीटर की कैपेसिटी वाला है, इसमें हमने ऑलमोस्ट 5 और 5 10 लीटर का पेट्रोल पूरा फिल कर दिया, फिल हो चुका है पेट्रोल, रेंज 453 का वापस आ चुका है। इज द ब्यूटी ऑफ द जेरी कैंस, कोई फोन कर रहा है, लेट मी टेक इट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऑफिस का काम ना ट्रैवल पे साथ साथ, फहीम भाई बहुत सारे लोग तुरतुक जा रहे हैं, जय जवान जय किसान दूर से भरा पड़ा हुआ है। कुछ गाड़ी वाले ना बहुत गलत तलक से चल रहे हैं, ऑर्डर नहीं है इनका चलने का, आप देख ले जिसको जहाँ से मर्जी है वो वहाँ से चल रहा है। यहाँ पर ना कटिंग हो रही है, आप देख रहे हैं, हमको ना रुकना पड़ेगा यहाँ पर, आधा घंटा टाइम लगना है यहाँ पर। एक मिनट करोगे प्लीज, इधर आ जाओ बैठो बीच में, एक मिनट। कहाँ से हो? झारखंड। झारखंड से? कब से इधर हो? 3 महीने। कैसा लगा इधर? बहुत गंदा, बोलो बहुत। नहीं अच्छा तो है यार, मेहनत कर रहा है यहाँ पर, झारखंड में क्या करेगा, इधर काम है। उधर गर्मी भी है। हाँ। हम लोग अभी ना लकीर के फकीर बैठे हैं, नहीं नहीं रास्ता आगे बंद है और मैं से रेस्ट कर रहे हैं, हमारी बाइक से है रास्ता आगे बंद। आप यहाँ से आ जाओ और दिन को व्यू दिखा दो, हम क्या देख रहे हैं, नेचुरल टीवी जिसको बोलते हैं। ये देखो क्या है, ये देखो अभी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, ये ना ये राइट इन चीजों से याद रहे। हाँ मूव अहेड, यहाँ पे ना कुछ फॉरेनर्स है, अभी हमको ना वो वाला रिज पार करना है पूरा एंजॉय करते करते। इज ऑलवेज टेम्प्टिंग टू राइड इट हार्ड ऑन दिस रोड। ओह बी केयरफुल विद दोस गाइस, इट्स अ
bikers. They are riding it in a pretty bad way. Oh, I'm just struggling with the wind because the weather is not that good. They're riding it on the extreme left side. आजा फ्री है फ्री है फ्री है फ्री है आजा आराम से बस थर्ड गियर में आराम से चल कोई दिक्कत नहीं है। शाम के बज चुके हैं 6:45। ओए दिस इज एडवेंचर। अभी खलसर 4 किलोमीटर है बिल्कुल पहाड़ियों के पर्वत हम चल रहे हैं अभी और मैं ना एकदम ना स्ट्रेस फ्री एट ईज चल रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ इन पहाड़ियों को। हर कोई चीज़ ना एक अलग ही एक्सपीरियंस है इस रोड का। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पर छोटा सा गांव बसा है, आप देखिए ग्रीनरी कितनी है और बस कुछ ही मकान है, लाइक नॉट मोर देन 10-15 आई कैन काउंट फ्रॉम हियर। आया था तुरतुक से वापस तो तब मैंने अगम शोक शक्ति पेंगोंग और लेह वाला रूट लिया था, बट ये रूट तो बहुत डिफिकल्ट है, सो इसलिए ना हम अपने वाले इस वाले रूट से जाएंगे जो नज़दीक भी है और रोड भी सही है। उस वीडियो का ना लिंक पोस्ट करता हूँ, आप जाके चेक कर ले। पौधे देखो कौन से है बीच में, वो पर्पल जैसे लेवेंडर टाइप लेवेंडर जैसे बीच में से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। हाँ अरे आजा भाई थोड़ा सा हमको क्या करना है, कम हवा इज गुड। अभी देख रहे हैं हम बीच में ऑफ रोड कर रहे हैं, इस वाले रोड पर ना पहुंच चुके हैं। अगेन द सेम इशू, नाक ना खुशक होनी शुरू हो चुकी है फिर से, तो फूर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खरदों का भी 16 है, लंच तो हमने आज किया नहीं। मैजेंटा टाइम हुआ है शाम के 6:30। अभी खरदंग में रुके ना अपना हम पेट भर देते हैं। लद्दाख होम स्टे दलदन खंगबू, इनका जो खाना है बहुत ही अल्टीमेट था, तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर रुके। खाना हमारा हो चुका है। टाइम क्या हुआ भाई, कितने बजे? बिस्मिल्लाह टाइम हो चुका है 7:10 का और अब हम खरदुंग से यहाँ से निकल गए। अभी हम रुकेंगे सीधे खरदुंगला में एंड देन टू ले सी। अभी हम साउथ चुल्लू पहुंचने वाले हैं और टेम्परेचर फिर काफ़ी डाउन हो गया, ठंड लग रही है। पेशना कल की तरह बहुत ख़राब था, बहुत ही मज़े है इस रोड पे। स्टिल वी आर राइडिंग इट इन अ गुड वे। क्या राइड हो रही है बॉस, ट्रस्ट मी आई एम शिवरिंग। इट्स कोल्ड। हमको जो पहुँचना है ना वहाँ से गुजरना है खरदुंगला। अभी टेम्परेचर इतना डाउन हो गया कि ना एकदम कुल्फी जम रही है। तो आप नज़ारा देख रहे कैसा है नाइट राइड का, ये होता है एडवेंचर। ओए होए होए देखो गाड़ी को क्या हो गया, JK 10A 2229, इसका संतुलन बिगड़ चुका है भाई। विंटर्स के बाद ना जब ये रोड खुलता है तो बहुत देर के बाद खुलता है। बस खरदुंगला कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं। आई एम एट खरदुंगला पास, यू कैन चेक टू इट। बहुत ठंड है नाइट टाइम पर ना मैं इधर पहुंच चुका हूं। बस अभी अपनी टीम का वेट कर रहा हूं। अभी पहुंच चुके हैं खरदुंगला पास, बहुत ही ठंड है, टेम्परेचर बहुत ही फ्रीजिंग था। और ये हमारी टीम पीछे सारे बाइकर्स, ये हमारे फहीम भाई यहाँ पर यार अपना ये ठीक कर दो। हाँ गर्मी कर लो आपके बहुत। हम खरदुंगला पास पे हैं, इट्स अराउंड 8:30 एंड वी रीच्ड
खारदुंगा वेदर इज फ्रीजिंग कोल्ड आवर फिंगर्स दे आर नम्ब अप आए और ऐसे एडवेंचर ट्राई करें गुड थैंक यू भाई साहब हम पिछले 15-20 मिनट से यहीं पर है बटरफ्लाई बाइक को थोड़ा दिक्कत हो रहा है ब्रीदिंग का तो हम फटाफट से निकल जाएंगे ओपन करना पड़ेगा लगता है हाँ वाइजर ओपन करो वाइजर अभी ओपन करो यार मैं क्या बता रहा था आपको लाइट लाइफ लाइन है जैसा आपका टायर इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग ऑफ रोडिंग वैसे ही लाइट्स ब्रांडेड लाइट्स बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप ऐसा कोई एडवेंचर करें वो भी रात के टाइम में Not a single motorcycle is, you know, riding at this point of time. क्योंकि temperature इतना challenging है हर किसी की बात नहीं है कि इस time पर ना motorcycle ride कर ले दिन में तो splendor वाले भी आते हैं यहाँ पर भाई guts चाहिए इस चीज के लिए Agree, Fahim भाई? हाँ हाँ Finally हमने इधर पहुँच चुके हैं हमने अपनी bikes जो है इधर garage में लगा दी है मगर अजा अभी चाहिए